प्रधानमंत्री जसेंडा आर्डन वालों अपने एक दिन के आस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अज आस्ट्रेलिया के नवे बने प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के नाल मुलाकात की गई। इस मुलाकात के मगरों प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिया दोनों नेतावान ने आख्या है कि आने वाले समय च न्यूजीलैंड ते आस्ट्रेलिया के रिश्ते होर मजबूत होणगे। उन्हां आख्या कि दोनों देश मिल के लोगों के लिए नवीं जॉब्स ते ओपरचुनिटीज क्रिएट करनगे। इस दे नाल ही अज दी इस मीटिंग दे विच प्रधानमंत्री जसेंडा आर्डन वालों 501 डिपोर्टेशन का मुद्दा भी आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अगे रखा गया। दोवां नेतावां वालों पैसिफिक के उपर चाइना के हो रहे एक्शन से भी गलबात की गई ते क्लाइमेट मुद्दे के उत्ते भी विचार चर्चा हुई। मीटिंग तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करदियां जिथे लोगों के लिए नवीं ओपरचुनिटी क्रिएट करने की गल आखी गई, उत्थे ही उन्होंने आख्या कि दोवां देशों के विचकार हुण तक जो मसले अनसुलझे रहे ने उन्होंने जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। दस दिए कि इस मुलाकात तो पहला दोने देशों के प्रधानमंत्री एक दूजे को गर्मजोशी के नाल मिले तो दोनों ने एक दूजे को कई तोहफे भी भेंट किए। जिक्रयोग है कि प्रधानमंत्री जसेंडा आर्डन एंथनी एल्बनीज को मिलने के लिए कल रवाना हुए सन ते अज सिडनी के उन्होंने वालों ये मुलाकात की गई। उत्थे ही उन्होंने एंथनी एल्बनीज को शुभकामनावां देंदे हुए आख्या है कि वह उम्मीद करते हैं कि उन्होंने अगवाई के आस्ट्रेलिया होर तरक्की करेगा तो आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के रिश्ते भी होर मजबूत होणगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली खबर।